Hi and welcome back. So let's discuss today's task 2 question which came in the real exam. Today is 24th October 2022. Question was based on advertisement on children that these kind of advertisement are negative and it should be banned. First नोट पर ही मेरे दिमाग में जो व्यू आता है वो यही आता है कि डेफिनेटली दीज एडवर्टीजमेंट्स आर नेगेटिव, दे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन एंड दीज शुड बी बैंड. द रीज़न इज दैट दीज एडवर्टीजमेंट आर प्रोवोकिंग चिल्ड्रन. ये एडवर्टीजमेंट्स इतनी नेगेटिव हो गई हैं कि ये हमेशा बच्चों को प्रोवोक करते हैं कुछ नेगेटिव परचेज करने के लिए. सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको याद आएगा जब भी बच्चे कार्टून चैनल्स देखते हैं. सो उन कार्टून चैनल्स में बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है वो या तो कुछ खाने की होती है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू ईटेबल्स. डोमिनोज की ऐड देख लो तो उसी टाइम आती है, किंडर जॉय की ऐड देख लो तो उसी टाइम आती है. सो यू कैन गिव दीज एग्जाम्पल्स कि दीज एडवर्टीजमेंट्स आर डिपेक्टेड इन सच एन अट्रैक्टिव वे, एल्योरिंग वे, कि बच्चे उस एडवर्टीजमेंट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड दे परसुएड देयर पेरेंट्स टू बाय दीज प्रोडक्ट्स विच आर बैड फॉर द हेल्थ, विच आर डेट्रीमेंटल फॉर द हेल्थ. दूसरा पेरेंट्स के लिए भी ये नेगेटिव है क्योंकि पेरेंट्स का बजट इम्बैलेंस हो जाता है. कभी कभी बच्चे इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं दैट दे फोर्स देयर पेरेंट्स टू बाय सच काइंड ऑफ थिंग्स, और उससे बजट और कैसे इम्बैलेंस होता है कि फिर डॉक्टर का खर्चा. अब जब आप पूरे टाइम जंक फूड में इंटरेस्टेड रहेंगे, जब ये जो बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा वो जो पूरे टाइम इन नेगेटिव प्रोडक्ट्स को, इन अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को खाएंगे तो डेफिनेटली उनकी हेल्थ भी सफ़र करेगी और बच्चों को फिर डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ेगा. इनफैक्ट ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन लेवल को भी ख़राब करते हैं, बिकॉज हेल्दी फूड न्यूट्रिशियस होता है, उसमें प्रोटीन्स होता है, उसमें डाइट होता है, अच्छी डाइट होती है जो बच्चों को हेल्दी बनाती है, और हेल्दी बच्चे ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. मोस्टली हमने देखा है जो जंक फूड या ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू फूड जो दिखाया जाता है बेसिकली जंक फूड होता है जो प्रिजर्वेटिव्स और सॉल्ट से भरा होता है और शुगर से भरा होता है. तो अगर बच्चे कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली ये नेगेटिव ही होगा. दो अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव के पॉइंट भी लिख सकते हैं, बट कंक्लूजन में आई वुड से दैट टू कंक्लूड सर्टेनली दीज एडवर्टीजमेंट्स आर नेगेटिव एंड दीज शुड बी इमिडिएटली बैंड बिकॉज दीज कैन प्ले एन एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ, और दीज कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट, बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रंस लाइफ. सो दिस इज़ वॉट यू विल प्लान. आप फोर पैराग्राफ्स बना सकते हो, फर्स्ट फॉर इंट्रो, जिसमें फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में भी आप फर्स्ट रीज़न दे सकते हो क्यों बैन करना चाहिए, फिर सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में भी आप रीज़न दे सकते हो कि क्यों बैन करना चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एडवर्टीजमेंट्स इकॉनमी के लिए अच्छे हैं बिकॉज जितना लोग खरीदेंगे उतना इकॉनमी में ऐड ऑन होगा, बट मुझे नहीं लगता ये एक बहुत वैलिड रीज़न है, क्योंकि अगर देश के चिल्ड्रन, देश के फ्यूचर अगर नेगेटिव फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो आगे चल के वो हमारे देश के लिए प्रोग्रेस, हमारे देश की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनहेल्दी सिटीजन्स कभी भी देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट.